जनता की सेवा के लिए। एक विकसित मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का ही हो जाता है तब बुलडोजर भी चलेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत प्रथम चरण में 8 लाख किसानों का 1500 करोड़ का ब्याज माफ किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण महाकुंभ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021-2022 की 2933 करोड़ की दावा राशि 44 लाख किसानों के खाते में अंतरित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण महाकुंभ में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 70 लाख किसानों के खातों में 1400 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण महाकुंभ में 8500 करोड़ की मोहनपुरा कुंडालियन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इससे 285,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण महाकुंभ में गोरखपुरा ग्रामीण समूह नल जल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से 156 गांव के हर घर में टोटी वाले नल से जल पहुंचेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को मिलाकर अब प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12000 रुपए मिलेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान भाइयों, खाद की इस साल कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो अभी से खाद ले जा सकते हैं। खाद बीज का अग्रिम उठाव का 3 माह का ब्याज भी सरकार भरेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों के लिए नई सौगात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में ट्रैक्टर मालिक किसान परिवार की बहनें भी पात्र मानी जाएंगी, उनके खाते में भी प्रतिमाह 1000 की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सतपुड़ा भवन में लगी आग की घटना की जांच रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ये संतोष की बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। शासकीय कार्य प्रभावित ना हो इस उद्देश्य से जो कार्यालय आग से प्रभावित हुए हैं उन्हें अन्य भवनों में शिफ्ट कर तत्काल कार्य आरंभ किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक श्री एरिक सोलहेम ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश आध्यात्मिक और आर्थिक प्रगति के लिए समान रूप से सक्रिय है। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्यामलाल स्थित उद्यान में बरगद, कचनार और आम के पौधे रोपे। सीएम श्री चौहान के साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक श्री एरिक सोलहेम ने भी पौधरोपण किया।